नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बॉलीवुड में जब भी खूबसूरत हीरोइंस का जिक्र होता है, ऐसे में सायरा बानो का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। 23 अगस्त 1944 को मसूरी में पैदा हुई सायरा बानो बेहद ही खूबसूरत और ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने बहुत कम समय में वो ख्याति प्राप्त की जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपको बता दें कि सायरा बानो का जन्म मसूरी में हुआ था और मसूरी एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। मसूरी से मुंबई तक का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन सायरा बानो ने 16 वर्ष की उम्र में 1960 में हिंदी फिल्म्स में डेब्यू कर लिया था। उन्हें कथक और भरतनाट्यम का शौक था जिसकी वजह से फिल्मों में उनकी राह आसान हो गई। आपको बता दें कि 1961 में आई फिल्म जंगली के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी जैसे कि शादी, ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल। और आपको बता दें कि उन दिनों सायरा बानो फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम हो गई थी। आपको बता दें कि सायरा बानो इस समय 76 वर्ष की हैं और 1976 में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और 1966 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार से विवाह कर लिया था। सायरा बानो की आखिरी फिल्म 1988 में आई थी जिसका नाम था फैसला। सायरा बानो के द्वारा निभाए गए किरदार लोगों को बेहद पसंद आए और उनकी अदायगी में जो चुलबुलापन नजर आता था वह लोगों को काफी मोह लेता था। सायरा बानो की आज के समय में भी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और ऐसे में हर कोई उन्हें पसंद करता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।